प्लेटफॉर्म हिस्ट्री नेट चारिफ यूनिवर्सिटी, मैं इतिहास का दिन सैनी आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके ही अपने प्लेटफॉर्म पर। आज जो हम रिव्यू करने वाले हैं यहाँ हिस्ट्री की ऑब्जेक्टिव बुक ने यूथ कॉमर्स टाइम की नेट चारिफ की लेटेस्ट बुक का रिव्यू किया है। घटना चक्री किताब का रिव्यू हम कर चुके हैं, अकिरण पब्लिकेशंस और एजीपी का और देव सर की बुक का हम रिव्यू कर चुके हैं, जो कि आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहेंगे। आप जाके हमारे चैनल पर जाकर विजिट करें, आप सबको वहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। करंट पब्लिकेशन की बुक है मित्र NTACG नेट GRF सेट एग्जाम के लिए आपको ये बुक मिल जाती है। इतिहास के धर 5 से धर 20 तक के 16 पेपर हैं, इसमें सभी प्रश्नों के विस्तृत व्याख्या सहित है। लेखक है प्रकाश आनंद सर। इस टाइप से आपको फ्रंट कवर मिल जाता है बुक का, ये आपको 400 से 300 रुपये के बीच में ऑफलाइन ऑनलाइन मिल जाएगी। इसकी अनुक्रमिका आ गई है हल प्रश्न पत्र, ये बुक आपको धर 5 से प्रोवाइड इसके अंदर मिल जाते हैं आपको क्वेश्चंस, अन्यथा किसी और बुक में आपको इतने पुराने क्वेश्चंस नहीं मिल पाते, ये इस बुक की सबसे खास बात है। इससे पहले आपको यहाँ थंबनेल दिखाई दे रहा होगा, हमने कम से कम 7 बुक का कंपेरिजन करके एक वीडियो बनाई थी, बहुत अच्छा रहा उस पर रेस्पॉन्स। क्या आप अपने बेस्ट बुक सेलेक्ट कर सकते हैं, ये आपका इस इज नेट 2005 का प्रश्न पत्र है। उस टाइम पर 2 पेपर हुआ करते थे आपके, पेपर सेकेंड और पेपर थर्ड। इसके आंसर देख सकते हैं आप, यहाँ उत्तर दे रखे हैं व्याख्या सहित, आपके लास्ट में स्टेप से आपको इस टाइप दोनों फॉर्म में मिल जाते हैं, संक्षिप्त उत्तर और उत्तर सहित व्याख्या आपको यहाँ प्रोवाइड कराई गई। इस टाइप से आपको व्याख्या मिल जाती है, ये आपका 2005 का ही थर्ड पेपर आ गया है। ये आपका ये 2005 के पैटर्न पर, जैसे कि आप 2005 वैसे ही एग्जाम का दे रखा है पैटर्न 2005, ये आपका संक्षिप्त उत्तर और उत्तर सही व्याख्या स्टेप्स आपको मिल जाती है। इस बुक में आपको आंसर के ये आपका 2006 का इसी नेट का पेपर आ गया है आपका। स्टेप्स आपको मिल जाते हैं, देख सकें आप क्वेश्चन। अब जो लेटेस्ट देखते हैं, जो इसके अंदर लेटेस्ट है स्टेप्स आपको 2017 तक मिल जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। स्टेप्स है आपको ये 2014 में स्टेप से मिलता है, पेपर सेकंड और पेपर लास्ट में, जैसे कि 50 क्वेश्चन फिर उनकी व्याख्या, इसका एक और पेपर होना है। व्याख्या भी काफ़ी उच्च कोटि की, आप भी पढ़ सकते हैं। फिर आपका 2014 का थर्ड पेपर है, जैसे कि आप, मैं आपको लेटेस्ट जो एग्ज़ाम हुए हैं उन्हें दिखा देता हूँ, फिर आप उससे भी जज कर लेना कि आपके लिए बेस्ट रहेगी नहीं रहेगी। तो 2015 में आप देख सकते हैं इस टाइप के ही पैटर्न पे एग्ज़ाम होते थे। दर 16 का थर्ड पेपर है आपका, सेम पैटर्न था 17 तक आपका इसी टाइप का एग्जाम पैटर्न होता था, आपके 2 पेपर होते थे फ्रेंड्स। अब 2017 के बाद पैटर्न चेंज हो गया है, 2017 का ही ओपन करते हैं। आप देख सकते हैं आप इस टाइप से आपको मिल जाएंगे, आपका 2017 का ले लास्ट है पैटर्न। इस टाइप से आपके सेकेंड और थर्ड पेपर हुआ करते थे। इस टाइप से वाली बुक आपको थोड़ा ओल्ड पैटर्न पे मिल जाती है, इसमें कोई लेटेस्ट अपडेट हुआ नहीं, क्योंकि आपका जैसे कि इस टाइम 2023 में 16 जून का एग्ज़ाम हुआ था, और उसके बाद 10 अक्टूबर को भी काफ़ एग्ज़ाम हुआ आपका, फिर 28 फरवरी को, इसमें वो ऐड नहीं है, अन्यथा सब कुछ ऐड है, देख सकते हैं। फिर आपका थर्ड पेपर आ गया 2017 का, तो मैं चाहूँगा कि आपको लेटेस्ट बुक लें, इसमें थोड़ा ओल्ड पैटर्न है, ओल्ड पैटर्न में ज़्यादा है, इसमें कोई अपडेट नहीं हुआ है। मेरे में जब भी हम ग्रेजुएशन में, तो हमने जब परचेज़ करी थी ये, काफ़ी सारे बच्चे बोले थे करंट पब्लिकेशन का रिव्यू कीजिए, इस टाइप से
ये आपको मिल जाती है, देख सकते हैं 2018 ये आपका सेकंड पेपर है, इसमें आपको मिलेंगे 100 क्वेश्चंस, जैसे कि आपका लेटेस्ट पैटर्न इस टाइम चल रहा है इस टाइप से वो आपको मिल जाती है। इसमें लास्ट में जाए जैसे कि आपके क्वेश्चंस हो जाते हैं, मैं आपको इसी पैटर्न पे लिखी, जैसे कि आपके क्वेश्चंस है फिर क्वेश्चंस की व्याख्या आपको हैंड राइट नहीं देगी, जैसे लास्ट में मिल जाती है, फिर आपका इस टाइप से विस्तृत व्याख्या मिलती है लास्ट में जाके। तो व्याख्या काफ़ी बढ़िया है, बहुत अच्छी लगी, सबसे अच्छी बुक मेरे को EGP पब्लिशिंग की लगी थी, मैंने उस पर कंपेरिजन करके वीडियो बनाया, इस टाइप से बुक पूरी लिखी गई है। मैं आपको लास्ट पेपर और दिखा देता हूँ, यदि आप परचेज करें 2020 तक का ही दे रखा है, कोविड के टाइम का, ये आपका अक्टूबर 2020 में एग्ज़ाम हुआ था आपका, ये वो है बस इसमें लेटेस्ट, इसके बाद इसमें कोई भी अपडेट नहीं है बुक के अंदर। तो मैं चाहूँगा कि आप परचेज़ करना चाह रहे हैं तो लेटेस्ट EGP का नया एडिशन आने वाला है, आप इससे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं जल्दी से आपको उसका एड्रेस प्रोवाइड करा दूँगा, नहीं तो आपको अमेज़न फ्लिपकार्ट पर मिल जाएगी। इसके लिए जैसे कि आप क्वेश्चंस करेंगे फिर आपको लास्ट में व्याख्या मिल जाएगी, इस टाइप से व्याख्या काफ़ी अच्छी है, बस थोड़ा सा बुक के अंदर 2023-20 तक दे रखा है 2005 से, तो इसमें अपडेट होना चाहिए था क्योंकि इस टाइम पैटर्न चेंज हो रहा है एग्ज़ाम का, तो आपको उसके हिसाब से चीज़ें पता चल जाती है कि आपका एग्ज़ाम किस टाइप से आ रहा है, किस टाइप से पैटर्न चेंज हो रहा है, पैटर्न चेंज हो रहा है फ्रेंड्स। तो मैं चाहूँगा कि आपको लेटेस्ट बुक ले लें, इससे पहले हमने काफ़ी सारे बुक का रिव्यू किया, आप जगह चैनल पर देख सकते हैं, आप धन्यवाद दिल से, आप जाके देख सकते हैं, हमने बहुत सारी बुक का रिव्यू किया कंपैरिजन करके, आपके लिए बेस्ट बताइए कि यूथ कॉमर्स टाइम की या फिर घटना चक्र की या फिर आपकी EGP की या फिर कपूर सिंह प्रजा सर की किताब बेस्ट हो सकती है, बहुत सारी बुक का कंपैरिजन किया था आपसे, हमें इतना कीमती सभी मिलता है, आप सभी का धन्यवाद दिल से आभार।